है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कि बेर का पेड़ कैसे रोपे। तो आज बेर का पेड़ हम रोकेंगे। और बेर का पेड़ बेसिकली अक्टूबर और नवंबर के महीने में रोपा जाता है। तो ये अक्टूबर का महीना है तो हम बेर का पेड़ रोपेंगे। तो देख सकते हैं कि ये है बेर का पेड़। और चलिए हम रोकते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे रोपाता है। पहले तो इस तरह का जमीन ढूंढ लेना है, उसके बाद इस तरह का स्क्वायर टाइप का आपको ऐसे करके गड्ढा खोल लेना है 3 फीट का। अगर 1 फीट का उसका जड़ है तो 3 फीट का गड्ढा लमसम खोल लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे खोल सकते हैं देखिए, और ऐसे। और इस बेर के पेड़ को देख सकते हैं, इसको इस तरह से सीधा एकदम सीधा ऐसे करके रोप देना है। और ये जो मिट्टी जैसे निकाली थी हमने इसमें से, उसी तरह से ऐसे डाल देना है, इस तरह से डाल देना है। और ये ऐसे करके रोपा गया, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और इसमें पानी डालना है, तो हम देखिए पानी ऐसे डालना है, 1 लोटा पानी डाल देना है पेड़ रोपने के बाद। इस तरह से देखिए ऐसे ये पेड़ में पानी डालना है। और रोपने के बाद पानी डालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पेड़ नहीं लगता है। और देख आपको इसी तरह का बड़ा पेड़ हम दिखाते हैं, जैसे ये है ऐसे पूरा बगान है। तो ये देखिए, ये है बगान बेर का। ये देखिए, ये रहा पूरा बगान है बेर का। ये बेर का पेड़ है। और ये देखिए बेर के पेड़ में फूल आ चुका है। और ये फूल आने में लगभग 2 साल लगता है। और इसका पौधा ये देखिए, इस तरह का ये बेर होता है, लगभग 2 साल लगता है इस तरह का बेर आने में। और ये देख सकते हैं बेर का पगा। तो ये कम खर्च में ज़्यादा मुनाफे वाला फसल है। तो इसको आपको लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। और ये पेड़ आपको नर्सरी में आसानी से अवेलेबल हो सकता है। तो अगर आपको ये इसका पौधा लगाना है तो आप जाके नर्सरी से ले सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।